हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। दोस्तों देखो, काफ़ी दिन से मैंने प्रिया रोहन के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई रिएक्शन वीडियो नहीं दिया, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनके ऊपर कोई वीडियो अब बनाऊँ, क्योंकि जो सच था सबके सामने आ चुका है। क्या सच था क्या झूठ था, सब जब से गोरखपुरिया भौजी, अलका वगैरह सब लोगों ने मिल के हम लाइव में आए, उनसे क्वेश्चंस करे, तो बहुत चीज़ें सब क्लियर हो गई थी। पर दोस्तों अभी कई मेरे जो यूट्यूबर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, उनके कंटिन्यू मतलब वो आ रहे हैं मैसेज मेरे पास कि मैडम आप प्रिया से पूछो कि अब वो कब जाएगी अपने घर, है ना, और भी बहुत से क्वेश्चन हैं। तो इसलिए मैं आज वीडियो लेकर आई दोस्तों कि मुझे प्रिया रोहन से एक क्वेश्चन पूछना है अपने वीडियो के माध्यम से। हो सकता हो आज फिर सबको बुरा लगेगा मेरा इस तरीके से वीडियो बनाना, और ख़ास तौर से जो प्रिया के मतलब अब अंधभक्त तो नहीं बोलूँगी प्रिया के जो वेल विशर्स हैं उनके लिए बुरा लगेगा, और मुझे कमेंट में आके गालियाँ भी देंगे कि फिर से प्रिया के लिए वीडियो लेके आ गई, है ना। तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, देखो मैं सबसे पहले बता दूँ। दूसरी बात ये है कि यदि कोई क्वेश्चन करता है तो उसका जवाब जानना हम लोग के लिए एक मतलब मायने रखता है कि हम पूछें कि यार क्या बात है, इसलिए वीडियो लेकर आई हूँ मैं। तो प्रिया यदि अब तुम लोगों के बीच में, रोहन और तुम्हारे बीच में सब शॉर्ट आउट हो गया है, तो आप अपने घर जाओ, इज्जत से अपने घर में रहो, क्योंकि जो इज्जत अपने पति के घर में मिलती है वो एक औरत को कहीं भी नहीं मिल सकती। और आपका पति है, आपका सब कुछ अच्छा है, अब ठीक है प्रॉब्लम्स हुई हैं, सबकी लाइफ में होती हैं, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं। जैसा आपने मीडिया पे दिखाया कि भैया बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत आपको निकाल दिया गया, फिर सब चीज़ सबने मिलके शॉर्ट आउट भी करा दी, और आपके हस्बैंड ने सरेआम आपसे माफ़ी भी मांग ली, तो ये चीज़ मायने करती है। तो रोहन ने सरेआम आके सबके आगे आपसे माफ़ी भी मांगी, और ये एक आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है ना। कोई आदमी इस तरीके से माफ़ी नहीं मांगता जिस तरीके से उसने, देखो हम सबके कहने पर उसने आपसे माफ़ी मांगी, तो एक फ़र्ज बनता है अब आपका कि इतना एटीट्यूड में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है, और आप में कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड है। ये शायद मैंने क्या, बहुत से लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि आप में एटीट्यूड तो है, और किस बात का, ये अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या क्वालिटी है जिसका एटीट्यूड है आपको, है ना। फिर देखो शायद बुरा लग रहा होगा किसी को सुनने में, लेकिन यार मैं जो ऑब्जर्व करती हूँ ना वो ही मैं बोलती हूँ आप लोगों को, बता दूँ, है ना। मैं गलत नहीं बोलती हूँ कि जो ऑब्जर्व किया है ना वो ही मैंने बोला है कि इस लड़की में एटीट्यूड तो बहुत ज़्यादा है ना, और किस बात का है वो आज तक समझ में ही नहीं आया है कि ऐसी क्या क्वालिटी है जितना ये एटीट्यूड रखती है। तो मैं तो बस इतना ही बोलूँगी कि दोनों जन एक साथ रहो, एक साथ होके ब्लॉग बनाओगे, एक साथ आपके ब्लॉग आएंगे, तो आपकी यूट्यूब फैमिली को अच्छा लगेगा, है ना। मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, आपकी यूट्यूब फैमिली को अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट आप दोनों साथ में तो हो, है ना, कि अभी अलग अलग रह के। अच्छा अब ये मत बोलना कि मैडम फिर बोल रही है, क्योंकि मुझे कुछ दिखता है और मैं आप लोगों से छुपाती नहीं हूँ, है ना, है ना। हो सके तो गालियाँ दे देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज के ब्लॉग में मैंने नोट किया वो लड़की अपने बच्चे को लेके नाच रही है ना, अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे तो बच्चे वैसे ही बहुत पसंद है, और उसका बेटा तो बहुत क्यूट लगता है, सच बता रही हूँ। ऐसा लगता है उसको अच्छे से पकड़ पकड़ के खिला ले ऐसा लगता है। लेकिन एक चीज़ नोट करी मैंने कि वो लड़की अपने घर में ही बिस्लरी की बॉटल से पानी पी रही है, दो तीन बॉटल रखी हैं, वो उनसे पानी पी रही है। मतलब तो कुछ समझ में नहीं आता ना अभी भी, सच सच बताना, है ना। कई लोगों को डाउट है, क्योंकि बहुत से चीज़ें मेरे पास आती हैं, बहुत से कमेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं ऑन स्क्रीन उनके लिए आई थी गोरखपुरिया भौजी का, जब ये सब शॉर्ट आउट हुआ था तब भी हम लोग के क्वेश्चंस हुए थे, और स्पेशली मैंने तो रोहन से पूछा भी था दूसरे दिन जब वो लाइव आया था, जब खुशी वाले मैटर में, तब मैंने उससे क्वेश्चन किए भी थे। तो वही मैं बता रही हूँ कि अभी भी कुछ ना कुछ तो लगता है, जो मतलब समझ में नहीं आता यार कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो बताया नहीं गया है और
देख सबने लिया है ना, एम आई राइट ना, कि समझ में सबको आ गया है, बस कुछ लोगों की अभी भी आंखें बंद हैं जिनको समझ में नहीं आया है। पर ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना मत होता है सबका रखने का, है ना, और अपनी अपनी चॉइस होती है कि सबको किसके वीडियो देखना, किसको क्या पसंद आ जाता है, कौन किसके दिल में बैठ जाता है, ये सबकी अपना अपना है, सब इसके लिए फ्री है ना। और देखो, बोलने के लिए हम भी फ्री हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप किसी के बारे में नहीं बोल सकते हो। मैं अपनी राय रख रही हूँ, अपने चैनल के माध्यम से रख रही हूँ कि मुझे जो दिखता है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, हो सकता है ये चीज़ आपने आज ऑब्जर्व नहीं की हो जो मैंने की है। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन और आ रहा था प्रिया जी, मैं यदि ये वीडियो देख रही हो आप, कि आपके घर में अभी तक आप सामान लेकर क्यों नहीं आई हो? आपने से पलंग खरीद लिया, ठीक है, वो एक बच्चे के लिए बहुत सुरक्षा की ज़रूरत थी कि आपके यहाँ चिंटियों की लाइन लग रही थी ऐसा आप बता रही थी, तो बच्चे के लिए कोई कीड़ा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये तो एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी और आपके लिए भी ज़रूरी है कि होना ही चाहिए घर में ये चीज़। लेकिन घर में और भी चीज़ें ज़रूरत की रहती हैं, वो सब भी तो आपने नहीं खरीदी है ना, और पैसा तो है आपके पास, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है। जब आपने पलंग खरीद लिया तो घर के जो डेली नीड की ज़रूरत रहती है वो चीज़ आपके पास नहीं है कुछ भी। तो ऐसा लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है, वो ही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये सब चीज़ें भी यदि आप रह रही हो तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो और यदि ये सब चीज़ फिर छलावई है तो फिर अपने पति के घर जाओ बेटा, साथ में रहो, सब दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, दुनिया को सब चीज़ पता भी चल गई है, तो आप अपने यहाँ बाकायदा एक औरत की इज्जत अपने पति के साथ ही रहने में होती है, और आप अपने हस्बैंड के साथ रहोगी तो सच में बहुत अच्छा, एक दुनिया गर्व महसूस करेगी, दुनिया अच्छी नज़रों से देखेगी और हम सबको भी अच्छा लगेगा, सच बता रहे हैं। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो लोगों को, और जिसको नहीं आया हो कोई मतलब नहीं है, आप आके मुझे गालियाँ दीजिए, कुछ भी बोलिए, आई एक्सेप्टेड, बस गलत वर्ड नहीं बोलना जो मुझे चुभना नहीं चाहिए सीधे, बस मैं इन सब चीज़ों की तो हैबिचुअल हो गई, मुझे मालूम है यदि वीडियो बनाया है किसी के लिए तो कईयों को अच्छा लगेगा, कईयों को बुरा भी लगेगा, है ना। तो जो जिनको बुरा लग रहा हो तो मैं तो बोल देती हूँ मत आओ मेरे चैनल पे, मत देखो मेरे वीडियो, है ना। तो ठीक है दोस्तों, यदि मैंने आज सही क्वेश्चन किया है प्रिया से तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना, इसके बाद अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, है ना, कि ये सही है कि नहीं है ना। प्रिया को जाना चाहिए, जैसा होली का त्यौहार है, साल भर का त्यौहार है ये, है ना, तो हस्बैंड के साथ रहोगी तो, अब सच बताऊँ ना बेटा, यदि सच में ये सब तुम्हारे साथ हुआ है तो हस्बैंड के साथ रहो, उसमें ही आपकी इज्जत है ना। क्यों ऐसे अकेली रह रही हो? यदि माँ बाप के साथ भी रह रही होती ना तो फिर कोई नहीं था, जैसे खुशी अपने माँ बाप के साथ रह रही है ना, तो यदि आप पेरेंट्स के साथ रह रही होती शायद दुनिया इस तरीके से कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन आज आप अकेले रह रहे हो, है ना, और छोटे से बच्चे के साथ रह रहे हो, ये मैं बोल रही हूँ। तो दुनिया इस सब चीज़ को अच्छी निगाहों से नहीं देखती है आजकल, मतलब बहुत बेकार दुनिया हो चुकी है जरा में, मतलब, और ख़ास तौर से लेडीज़ के लिए। जेंट्स तो चलो जो है ठीक है, उनका तो अच्छे से रह रहा हूँ चाहे बुरे से रह रहा हूँ, सब में इज्जत बनी रहती है, लेकिन औरतों की नहीं रहती है बेटा, बिल्कुल भी नहीं रहती है ना। अपने माँ बाप के साथ रहो या फिर जाके अपने हस्बैंड के साथ रहो, उधर ही आपकी दो जगह इज्जत है। आज आप अकेले रहोगे, दुनिया आप पे उंगली तो उठाएगी ही उठाएगी, और 17 तरह के क्वेश्चन करो, और फिर तो आप अभी जवान हो, एक बच्चा है, बूढ़ी भी हो गई होती तो भी सोच लेते, लेकिन जवान लेडीज़ का तो कहीं भी कुछ भी ठिकाना नहीं है, सच बता रही हूँ मैं। तो जाओ अपने पति के साथ खुशी खुशी लाइफ जियो, और अच्छे से त्यौहार मनाओ होली का। हम लोग तो सब यही आपके लिए दुआ करते हैं कि बढ़िया यार, एक खुशी फैमिली, बिल्कुल जो कहते हैं ना हैप्पी फैमिली दिखे होली के दिन, आपका ब्लॉग अच्छी तरीके से आए और साथ में आए, हम लोग तो यही इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, लव यू।